चलिए यार विषाणुओं पर आते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले ये देखें विषाणु की खोज किसने की है। विषाणु की खोज की हुई है आपके दिमित्री इवानोव्स्की ने। इन्होंने 1892 में खोजा था। टोबैको वायरस की इन्होंने खोज की थी। टोबैको जो सबसे पहला विषाणु खोजा गया था, टोबैको वायरस था। याद रखिएगा, जो वायरसेस हैं आपके, जो आपके विषाणु हैं, वह आपके जीवित और अजीवित की सीमा रेखा पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जरा। अब हम आगे इसमें विषाणुओं में गलसुआ, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जिसको पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है, उसमें सूजन आने पर क्या होता है, गलसुआ नामक रोग होता है। अब वह होता है रूबूला वायरस की वजह से। नेक्स्ट आते हैं जरा देखें ट्रैकोमा रोहे, नेत्रों में सूजन आ जाती है रोहों में। हेपेटाइटिस बी, इसमें यकृत प्रभावित होता है। प्लीज यहां याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, इसके कैटेगरीज पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल हेपेटाइटिस बी याद रखिए, इसमें यकृत प्रभावित होता है। अमिताभ बच्चन जी को कूली में जब चोट लगी थी, उनको इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया था, तो वहां से उनको हेपेटाइटिस बी है। उनका लीवर जो है वो इस समय मतलब आप 40% पर है। एक दिन मैं देख रहा था शो, तो उन्होंने खुद बताया था इस बारे में। ठीक है, तो एड्स पे आते हैं जरा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाता है। इम्यून सिस्टम के प्रभावित होने का अर्थ है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता ऐसे खत्म हो रही है। सपोज आपको बुखार आया, आप पैरासीटामोल टेबलेट खा रहे हैं, आपको वो असर ही नहीं करेगी। बुखार का बुखार बना रहेगा, हो सकता है महीने भर बना रहे। चोट लग गई अगर, घाव ही नहीं भरेंगे आपके, तो इम्यून सिस्टम आपका पूरा का पूरा खत्म होने लगता है। इसकी जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिसको एलिसा टेस्ट बोलते हैं। एलिसा टेस्ट का मतलब है, एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। यह एड्स की जांच के लिए किया जाता है। इसमें इम्यून सिस्टम इसमें पूरा का पूरा प्रभावित होता है। हर्पीस, हर्पीस यहां पर मैंने इसलिए लिखे, दाद नहीं है आपके। कई आप इसको खोजने जाएंगे नेट वगैरह पे, हर्पीस लिखेंगे तो हिंदी के सेक्शन में दाद आने लगता है कभी कभी। ठीक है, प्लीज इसको मान के चलें, हर्पीस दाद नहीं है। यह हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण फैलता है। गुप्तांग जो है वहां पर, या जैसे अगर ये बगल की मैं बात करूं, जो आपके जो ढके हुए पार्ट्स हैं जनरली, यह उन पर आपका असर दिखाता है। तो हर्पीज वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस गुप्तांगों को प्रभावित करता है। हाँ, दाद के जैसे सिम्टम्स इसके जरूर रहते हैं, पर इसको आप प्योरली दाद नहीं बोल सकते हैं। दाद फंगल है और यह वायरस की वजह से होता है हर्पीज। और किस वायरस की वजह से? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, तो हर्पीज के लिए याद रखिए कि हर्पीज दाद नहीं है। पट्टे नुमा निशान पड़ने लगते हैं शरीर पर, गुप्तांग जो है आपके ज्यादा प्रभावित होते हैं इसकी वजह से। आगे आते हैं जरा, चिकन पॉक्स बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चिकन पॉक्स को छोटी माता बोला जाता, पर छोटी माता बोल के सवाल नहीं आएगा, बोलेगा तो चिकन पॉक्स बोलेंगे। इसमें बड़ी माता और छोटी माता में अंतर बहुत जरूरी है जानना, जरा देखें क्या है। छोटी माता में बुखार और दाने एक साथ आते हैं। सपोज अगर सुबह बुखार आया, तो हो सकता है दोपहर तक आपके शरीर में दाने निकाला। हाँ, जो दानों का साइज होगा वह बड़ी माता के हिसाब से काफी छोटा रहता है। तो और इसके लिए जो विषाणु उत्तरदायी है उनका, उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है चिकन पॉक्स के लिए उत्तरदायी है। बुखार और दाने एक साथ आते हैं। बड़ी माता पर आ जाए, चेचक भी बोला जाता है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल से बड़ी माता पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ऐसे याद रख लीजिए, स्मॉल है तो इधर बड़ी माता। ठीक है, अगर इसको देखें तो दाने आने के 3-4 दिन पहले से बुखार आ रहा होता है। सपोज सोमवार को आपको क्या आया, बुखार आया, तो हो सकता है बृहस्पतिवार तक आपके शरीर पे दाने आ जाएं, अगर आपको बड़ी माता है या स्मॉल या चेचक हुई है तो यहां पर आपके शरीर पे बड़े बड़े दाने निकलने लगते हैं 3-4 दिन बाद, बुखार आने के 3-4 दिन बाद। तो ये अंतर है, बुखार और दाने आने के टाइमिंग में अंतर होता है। इस वजह से आपको इसको यहां याद रखना है, वेरियोला मेजर, वेरियोला मेजर जो है विषाणु उसके लिए उत्तरदायी है।
टीके की खोज, चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर साहब ने की थी, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बड़ी माता छोटी माता क्लियर। आगे आते हैं जरा पोलियो पर। पोलियो के लिए भैया जो उत्तरदायी वायरस है उसका नाम है पोलियोमाइलेटिस वायरस, पोलियोमाइलेटिस वायरस। जहां पे मैंने वायरसेस लिख दिए हैं जिनके नाम, वही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक आध दो में मैंने नहीं लिखे, वहां से वो सवालें नहीं बनेंगी, ठीक है, जहां तक चांसेस है नहीं बनेंगी। तो पोलियो के लिए पोलियोमाइलेटिस वायरस तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। हो सकता है अगर उसके प्रभावित होने के बाद शरीर की वृद्धि नहीं हो पा रही है सही से, कोई अंग सही से जो है आपका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर सकता है, ठीक है, या उसका विकास सही से नहीं हो सकता है, ये सब सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं। इसका जो टीका था वो जोन्स साल साहब ने बनाया था। जोन्स साल साहब ने पोलियो के टीके की खोज की थी। पल्स पोलियो अभियान हमारे यहाँ 1995 में स्टार्ट हुआ था। इसके स्टार्ट होने के बाद जो है हमारा ये ध्येय था कि हम जो है पोलियो को हमें जड़ से खत्म करना है। तो सरकारी डाटा के अनुसार 2014 के बाद पोलियो के केसेस नहीं पाए गए, इस वजह से माना जा रहा है कि 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। सॉरी, लेकिन अभी भी पोलियो के टीके बच्चों को पिलाए जाते हैं कि कहीं अगर जरा सा भी कोई माइनर केस भी हो तो उसको डील किया जा सके, वापस इसको हमें बढ़ने नहीं देना है। पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी है, तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, आप इसको थोड़ा याद रखें, ठीक है। खसरा मीसल्स, ठीक है, खसरा मीसल्स, दाने आ जाते हैं शरीर पर, स्किन प्रभावित होने लगती है, इसके लिए पॉलिनोसा मार्बिलोरम नामक विषाणु आपका जो है उत्तरदायी है, पॉलिनोसा मार्बिलोरम। आगे आते हैं जरा देखते हैं डेंगू। डेंगू जो है मादा एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। यहां पर प्लीज एक चीज आप याद रखिए कि फैलना और होना दोनों अलग अलग बातें हैं। डेंगू होता किसकी वजह से है, यह विषाणु जनित रोग है। क्या जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है। लेकिन यह फैल किससे रहा है? मादा एडीज द्वारा। अगर आपको सवाल आती है कि भैया कि डेंगू किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, तो जाहिर सी बात है विषाणु की वजह से होता है। और सवाल अगर यह बने कि डेंगू किसकी वजह से फैलता है, तो फैलता किसकी वजह से? मादा एडीस मच्छर की वजह से फैलता है, ठीक है। इसमें रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स घटने लगती हैं, रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स घटने लगती हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य काम जहां तक आता है वह आता है रक्त के थक्कों को जमाने के लिए, और शरीर में और भी काम है इसके, लेकिन अगर एक इसके हिसाब से देखें बात तो प्लेटलेट्स का जो काम है वो क्लॉटिंग में काफी सहायक होता है, ठीक है। इसे हड्डी तोड़ भी बुखार कहते हैं। जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जहां जहां भी आपके शरीर के जॉइंट्स हैं, जोड़ है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बुखार बहुत तेज रहता है, ब्लैकआउट्स होने लगते हैं, खड़े होंगे तो ऐसा अंधेरे जैसा आपको लगने लगेगा, ये इसके प्रॉपर सिम्टम्स हैं डेंगू के। होता किसकी वजह से है? वायरस की वजह से। फैलता किसकी वजह से? मादा एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। आगे आते हैं रेबीज। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कुत्ते या बिल्ली या बंदर के ये काटने से जनरली फैलता है, और इसमें हाइड्रोफोबिया इसीलिए नाम ही दिया, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डर लगने लगता है इसमें, जो इससे इस वायरस से ग्रसित हो जाता है रेबीज वायरस से, उसको पानी से डर लगने लगता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पिलिया में आते हैं जरा, पिलिया में जरा देखें जॉन्डिस, जॉन्डिस कहा जाता है। इसमें मुख्य अंग जो प्रभावित होता है वह होता है यकृत। शरीर में येलोनेस आ जाती है, शरीर में पीलापन आ जाता है, नाखून वगैरह में आप देखेंगे, दबा के लोग देखते हैं तो वहां पे पीलापन उनको दिखने लगता है। जब आरबीसीज बहुत अधिक मात्रा में टूटने लगती हैं तो बिलरुबिन नामक पीले सब्सटेंस का निर्माण करती हैं, और यही बिलरुबिन की एक्सेस मात्रा होने की वजह से यकृत के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, और यकृत के कार्य करने की क्षमता कम होने की वजह से भूख वगैरह नहीं लगती है, और शरीर जो है प्रॉपर समय के साथ कमजोर होने लगता है, ठीक है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया में भी जो है शरीर पर लाल निशान पड़ जाते हैं, बहुत तेज बुखार रहता है, मच्छरों के द्वारा ही फैलता है, इसमें भी प्लेटलेट्स की संख्या कहीं ना कहीं घटने लगती है। हाँ, जो नॉर्मली प्लेटलेट्स की संख्या है बॉडी में वो 2.5 से 3.5 लाख तक रहती है, आगे पीछे
कर सकता है डाटा, मैं श्योर नहीं हूं, मतलब एक रेंज हम लोग लेते हैं ना हमेशा, तो 2.5 से 3.5 लाख तक, ठीक है, और आगे पीछे हो सकता है 10-12-15 हज़ार, जिसका जो भी जिस हिसाब से शरीर है वो आगे पीछे चीजें हो सकती हैं। तो 2.5 से 3.5 लाख तक रहती हैं नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी में, और चिकनगुनिया में भी कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। आगे आते हैं यार, जरा इन्फ्लुएंजा फ्लू पर आते हैं। इन्फ्लुएंजा में अगर देखें तो H1N1 स्वाइन फ्लू कहा जा रहा है। स्वाइन फ्लू का मतलब है सुअरों के द्वारा फैलने वाला फ्लू है।